सेलेक्शन प्रोसीजर हर एक कंपनी का, हर एक होटल का, हर एक रेस्टोरेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ओके वो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। ये एसओपी इसके लिए होता है, अगर ये एसओपी ना हो तो काम करने का जो तरीका है ना ऐसा होगा, ऐसा। एसओपी क्या करता है, एसओपी उसको एक रास्ता देता है, उस रास्ते पर ही हमें चलना है। आप चलते चलते फिर एसओपी बोलेगा राइट टर्न करो, फिर राइट टर्न करो, ओके एसओपी आपको राइट वे या पाथ दिखाता है किस प्रकार से आपको काम करना है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस बिजनेस में कौन है, हमारा कस्टमर है, कस्टमर है ना हमारा, वो आता है इसके लिए तो हमारा रेस्टोरेंट चलता है, इसके लिए तो हमें सैलरी मिलती है, ठीक है ना। तो कस्टमर हमेशा दिमाग में ये रखने का कि हम अतिथि देवो भव, हमारा कस्टमर जो हमारे यहाँ पे आता है उसने हमें मौका दिया है। रेस्टोरेंट तो भरपूर है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट नहीं है, छोटे मोटे बहुत से रेस्टोरेंट है, लेकिन वो यहाँ पे आया है इसका मतलब क्या है, उसने हमें मौका दिया है भाई खाना परोसने का और सर्विस करने का, उसने हमें मौका दिया है, तो ये मौका हमें हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। तो क्या करना है, इसका हमें फायदा उठाना है। कस्टमर आया है, सबसे पहला जब भी कस्टमर वहाँ पे आता है हमारे द्वार पे, वहीं पे उसे इम्प्रेस करना है। अगर गेस्ट वहाँ इम्प्रेस हुआ, ये हमारा द्वार है, वहाँ से आएगा कस्टमर, अगर वहाँ पे हमने उसको इम्प्रेस किया, अब वहाँ पे उसको आप कैसे इम्प्रेस करोगे, कैसे इम्प्रेस करोगे, आसान सा सवाल है, कैसे इम्प्रेस करोगे रजत। सबसे पहले विश करना है, पूछना है कितने लोग हो, स्माइल के साथ तो मुस्कुराते हुए अच्छा है, तो सर के साथ मत खेलो लेकर जाओ टेबल पर, सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ पे जैसे सर ने कहा स्माइल, फेस पे स्माइल होना बहुत जरूरी है। देखो काम करना है हंस के करना है, ओके तो जैसा गेस्ट आता है आपको स्माइल करना है, स्माइल करते ही आपको गेस्ट को वेलकम करना है। अभी देखिए इंग्लिश सबको आती है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना इंग्लिश में, ओके अगर गेस्ट 11:30 को आता है, 12:15 को आता है, 11:50 को आता है, तो उसको बोलना है गुड मॉर्निंग सर 12 से 4:30 बजे तक, 3 बजे हम लोग बंद हो जाते हैं, ठीक है, बट 12 से 4:30 बजे तक हमको बोलना है गुड आफ्टरनून।